सब्सक्राइब करें चैनल टेक्निकल सोनी जी एंड प्रेस ऑन बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेक्निकल सोनी जी में और मैं आपका दोस्त संदीप सोनी लेके आया हूँ एक नई न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो न्यूज है वो राजस्थान पुलिस एग्जाम से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है वो तो हो चुकी है और उसका रिजल्ट जो है वो अभी आना बाकी है। और रिजल्ट से पहले विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति अपलोड की है जिसमें ये कहा गया है कि फिजिकल एग्ज़ाम की जो डेट है वो है दिनांक 20 अगस्त 2018, तो उससे पहले कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन उससे पहले व्हाट्सअप और जो भी सोशल मीडियाज हैं उनके ऊपर एक मैसेज आना स्टार्ट हो गया है जिसमें ये कहा गया है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट डिक्लेयर्ड, और उसमें एक पीडीएफ की जो फाइल है वो भी आ चुकी है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों देखिए, दोस्तों जिस फाइल में ये लिखा हुआ है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रिजल्ट ऑफ 14 BNRAC, ऐसा कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। और उसके अंदर टोटल ये है 23 पेज की एक पूरी विज्ञप्ति है। तो ये जो 23 पेज का जो रिजल्ट है दोस्तों, इसको देख के आप हैरान मत होइए, ये आपका जो आने वाला रिजल्ट है वो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम गलत न्यूज़ है दोस्तों। ये जो रिजल्ट है ये किसका है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो रिजल्ट है ये आया था 14 सितंबर 2015 को, और ये किसका रिजल्ट है, ये है क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर PhD PET ऑफ 14 BNRAC माइंस डिपार्टमेंट का रिजल्ट है दोस्तों। तो आप इस रिजल्ट को देख के बिल्कुल भी मत घबराइए, ये जो न्यूज़ है एकदम गलत है दोस्तों। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि लोग ऐसी पोस्ट डाल क्यों रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं लोगों को। कभी कभी आप यही सोचते होंगे कि हमारा रिजल्ट आया नहीं है, हम क्या करेंगे आगे। तो आप ये जो न्यूज़ आ रही है इस न्यूज़ को बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि यह जो रिजल्ट है ये है दिनांक 14/9/2015 का माइंस डिपार्टमेंट का रिजल्ट है, जो आपका कॉन्स्टेबल का रिजल्ट नहीं है। तो आप ये जो न्यूज़ जो भी आ रही है आपके पास में, जो भी PDF की जो फाइल आ रही है, इस फाइल को आप आगे से आगे फॉरवर्ड ना करें। अगर आप तक आ रही है तो आप इसको वहीं के वहीं रख लेना और इसको कहीं भी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि फॉरवर्ड करोगे तो आपके जैसे ही काफ़ी जो आपके दोस्त हैं वहाँ तक पहुँचेगी ये न्यूज़। और पता नहीं कुछ जो दोस्त हैं वो भी ये सोचेंगे कि मेरा भी रिजल्ट इसमें नहीं आया है। तो आप इस न्यूज़ को आगे से आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, और जिसको भी ये न्यूज़ सामने आए जो भी आपको कहे तो आपको ये बताना है कि ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। तो आप मेरे इस वीडियो के द्वारा मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है ये बिल्कुल भी गलत है न्यूज़। तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये न्यूज़ पहुँच जाए। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।